गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो हमने लास्ट में क्या देख लिया, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि लास्ट में आपने पोलर और नॉन पोलर देख लिया। क्या दोनों की इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम होगी कि अलग अलग होगी, उसके लिए एक क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहली बात कि आपको पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को समझाना है। यानी ये सोचो कि आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया है, जैसे कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके अंदर कोई नॉन पोलर ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हैं, तो पहले उसके अंदर दो फोर्स लगेंगे। तो वो ध्यान से देखो पहले कि सर जो फोर्स लगेगा उसके कारण, पहले पोलर की बात करो तो पॉजिटिव नेगेटिव आर कोइंसाइड विद ईच अदर। यानी देखो फर्स्ट डायग्राम, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे पे ही हो गए। जब उसको एक्सटर्नल फोर्स लगना चालू होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दूर जाना चालू करेंगे, यानी पॉजिटिव एक तरफ जाएगा नेगेटिव एक तरफ जाएगा, यानी वो डिस्प्लेसमेंट चालू हुआ। कब तक चालू रहेगा? जब तक एक्सटर्नल फोर्स और इन दोनों को पकड़े हुए जो रखता है वो है रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल ना हो जाए। सीधी सी बात है, जैसे ये इक्वल हो जाएगा तब वो स्टॉप हो जाएगा। जब वो स्टॉप हो जाएंगे इसका मतलब आपको डायपोल मोमेंट का ई देखना पड़ेगा। फिर से डायपोल मोमेंट का ई देखना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे देखो इनिशियल स्टेज पे कुछ नहीं हो रहा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आ रहा है तब तो नेगेटिव देखो एक साइड होना चालू हो गए, पॉजिटिव एक साइड यानी वो पोलर नॉन पोलर पोलर दोनों सेम होना चालू हो गए। सीधी सी बात है, नॉन पोलर भी धीरे धीरे पोलर बनना चालू हो गया, इट्स कॉल्ड पोलराइजेशन। इसलिए वर्ड आया लीनियर आइसोट्रॉपिक इलेक्ट्रिक्स। क्या उसका मतलब क्या? तो इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने उसको रख दिया, तब उसमें से डायपोल इंड्यूस्ड होना स्टार्ट होगा। व्हेन द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज, यानी पी प्रोपोर्शनल टू ई होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही डायपोल मोमेंट ज्यादा लगेगा, इसलिए ऐसा रखा गया प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर आप ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे तो डायपोल का पोलराइजेशन ज्यादा। तो अब आपके माइंड में क्लियर होगा कि सर ये पोलर, ये सीधी सी बात है, ये सारे कौन से थे? नॉन पोलर थे, उसमें से पोलर बन गए। तो सर जो ऑलरेडी पोलर है उसमें क्या होगा? तो उसके लिए जो ऑलरेडी पोलर है उसके अंदर आपको याद होना चाहिए उसका डायपोल मोमेंट पोलर जीरो रहता है, याद है ना, उसका परमानेंट डायपोल मोमेंट जीरो था, यानी इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो जाएगा। पर सर उसके अंदर सही मायने में ये ऐसी मोमेंट होती है, क्यों ऐसी? वो रैंडम मोमेंट करते हैं। क्यों रैंडम मोमेंट करते हैं? उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उसकी तो मोमेंट है ही, और उसके अंदर थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो थर्मल एनर्जी उसको स्टेबल नहीं रखने देगी, वो उसको हिलती डुलती रखेगी। यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, यानी उसकी मोमेंट रैंडम हो गई, कोई फिक्स मोमेंट नहीं। तो सुनो, जैसे ही आपने उसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया तो दो काम चालू हो गए। कैसे? देखो पहले देखो माइनस प्लस माइनस कोई फिक्स नहीं था, पर जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दिया इसका मतलब यहां पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो देखो सारे नेगेटिव एक साइड आ गए। देख सकते हो जितने भी मॉलिक्यूल्स हो गए, जितने भी पोलर हो गए, उसमें नेगेटिव सारे एक तरफ आना हो जाएंगे, पॉजिटिव एक तरफ आएंगे, यानी फ्यूचर में वो इनडायरेक्टली हमारे लिए एक अच्छा काम करेगा। देखो सारे नेगेटिव एक तरफ आ गए, सारे पॉजिटिव एक तरफ आ गए, इसका मतलब उसमें टेंडिंग टू अ अलाइन डायपोल, और जो थर्मल एनर्जी वो क्या करती है? वो उसको डिस्टर्ब करती है। तो प्लीज दोस्तों ये ध्यान से देखना, पोलर में क्या हुआ, सॉरी नॉन पोलर में क्या हुआ और पोलर में क्या। लास्ट में ये दोनों समझना, इतना तो क्लियर हो गया कि जैसे ही आप उसको रखेंगे वो पोलर हो कि नॉन पोलर हो, नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ आना स्टार्ट हो जाए। बस यही कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के रखना है नेक्स्ट थियरम के लिए।